वुमेन मिडिल स्कूल यूपिया हेडक्वार्टर यही है? यही है ना। ये क्या बोला था सज्जता से, माइनॉरिटी अफेयर से एक स्कीम आया था ना, स्मार्ट क्लासरूम। तो स्मार्ट क्लासरूम का आप लोग सर? यहाँ में तो स्मार्ट क्लासरूम तो नहीं है, हम लोग ऑफिस रूम में एते से। ओ, उसको इधर बना दिया? हाँ, हाँ, वहाँ में बना दिया। तो देख सकता है क्या सामान? तो क्लासरूम कमी का वजह से हुआ होगा? कमी का वजह से। तो वो लोग जो जो कंपनी जो लगा दिया था, वो लोग का इंस्टॉल आपका रूम में ही कर दिया? रूम में ही कर दिया, रूम एक्स्ट्रा रूम नहीं होते ना। हाँ, ये उसको हम चेक करा रहे ना, अभी मंत्री साहब आया ना, फिर इसको देखने के लिए तो कर रहा है। तो बच्चा को इसके से पढ़ा था? बच्चा लोग का इसमें ये सब कुछ सर ये है ना, यूज ही नहीं है। यूज होता है सर, हम लोग का इसका है ये रखा हुआ है ना, ये वाला को तो हम लोग के हमको उसमें क्लासरूम में ले लेके जब सब्जेक्ट वाइज उन लोग लेके उसे करा लेते हैं अलग से वहाँ में। कितना कितना पीस आता है? मतलब ये चार पीस जो चार सब्जेक्ट का होता है, चार सब्जेक्ट का क्लासरूम में जरूर अल्टरनेट करके जी जी करा लेता है। तो इसमें क्लासरूम में तो इसका ये लोग का मुताबिक तो डायरेक्ट क्लास में सेट करना चाहिए। क्लासरूम में सर थोड़ा सा सिक्योर नहीं होते ना, जैसे कि कोई कोई खिड़की उड़की तरह दिक्कत नहीं है, फिर बच्चा लोग आगे डैमेज करेगा अच्छा, जब प्रयोग होगा तब लेके बच्चा लोग। तो आप लोग को क्या लगता है ये सक्सेस है? आप लोग बच्चा लोग को पढ़ाने में आसान होता है ना, बच्चा लोग समझने में आसान होता है इसका वजह से? सर ऐसे तो ठीक है, बच्चा लोग जैसा कि थोड़ा यहाँ ये डालने से थोड़ा इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट होता है ना, ठीक है। लेकिन क्लासरूम में होने से अच्छा होगा, क्लासरूम में परमानेंट कहीं एक रूम अगर हो के अलग रूम एक हो के ना, क्योंकि स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए पैसा दिया तो वो लोग एक क्लासरूम को लेके बनाना चाहिए अपने हिसाब से। ऐसा होने से बहुत अच्छा था, लेकिन रूम नहीं होने का कारण से हम लोग जब सब्जेक्ट होगा जैसा इंग्लिश हो गया या सोशल हो गया तो ले जाके क्लासरूम में हम लोग ये करा लेते बच्चा। तो इसका मेन दिक्कत जो है क्लासरूम नहीं होने के कारण से ये स्मार्ट जो किट जो दिया गया है ना, कंप्यूटर जो भी प्रोजेक्टर होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब इसमें मैडम का तो गलती नहीं है क्योंकि क्लासरूम कम है जिसके वजह से मैडम आज इसको, ये तो आपका टीचर्स का भी हो जाता है ये रूम जो, तो आपका हेड मास्टर भी अलग है जगह सर, ये हेड रूम है और ये आपका ऑफिस रूम है जी जी, और यहाँ में और टीचर का है, टीचर का कमांड है। तो लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज का मतलब क्लासरूम कमी की वजह से हेड मास्टर जो यहाँ पर मैडम है, ये जो जितना जो किट्स जो आप देख रहे स्मार्ट क्लासरूम इसका जो सामान है ये मैडम के ही ऑफिस में है। कारण ये भी है कि क्लासरूम नहीं है, कमी एक तो, दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी यानी क्लासरूम तोड़ फोड़ के कोई घुस के जो है सामान को उठा लेगा तो आने वाला समय में बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैडम ने यहाँ पर रखी हुई है। तो ये स्मार्ट क्लासरूम जो माइनॉरिटी अफेयर से सज्जता को दिया गया था सरकार को, सज्जता जो है फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट को देता है और ये दे करके जो है अरुणाचल के तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि जो स्मार्ट क्लासरूम दिया गया था, जो किट्स दिया गया था, ये बच्चों के लिए कितना लाभ हो रहा है और ये जो सच में क्लासरूम में इंस्टॉल किया है या फिर नहीं किया है, ऐसे ही मतलब हेड मास्टर के रूम या फिर टीचर के रूम में रखा है क्या, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि इस वक्त मैं यूपिया जो कि पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यूपिया में हूँ और ये जो है एक मिडिल स्कूल है और यूपिया का हेडक्वार्टर में है, तो ये कागज़ के मुताबिक ये बता रहा है कि यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम दिया गया है। एक तो स्मार्ट क्लासरूम इक्विपमेंट्स ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यूपिया एचक्यू यानी हेडक्वार्टर, और एक दिया हुआ है इसी जगह में स्मार्ट क्लासरूम इक्विपमेंट्स फॉर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल यूपिया, इसको भी अभी हम लोग जाके विजिट करेंगे। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मैडम का ये स्कूल का कुछ हालत को भी जान लेते हैं, यहाँ पर बच्चों का जो टॉयलेट रूम कैसे हैं उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ हो जाता है दीदी आपका? तो यहाँ में कुछ चूल्हा ऐसे नहीं है क्या? चूल्हा करके रख देता है अंदर में, क्योंकि ऐसे रखने से नहीं। पेमेंट कितना मिलता है आपको? हमको पेमेंट तो मैडम का हमको 3000 करके दिया, तो नकली सकली
कभी कभी मैडम ही लगता है, मैडम लगता है, सब कुछ देता है, सब हम बस आके हैं। ये ऐसे ऑनरेरियम टाइप का 1000 ही है, तो उसको हम लोग ऐसे हाँ समझ गए। अब खुश है ना, लेकिन खुश है, अच्छा से बच्चों को खिलाई है ना। ये लकड़ी है, ये बाथरूम टॉयलेट भी है, बाथरूम टॉयलेट है, ये थोड़ा पीछे में भी है, जी जी का गर्ल्स का ना। और ये बहुत पहले बना, ये यूरिनरी बच्चा लोग करना, जी जी यूरिनरी है, साफ सुथरा थोड़ा सा ये जगह में मैडम, थोड़ा सा कमी ये है ना बच्चों का। हाँ, ये पानी आता है उधर, पानी तो है, ये बॉयज का है, ये बॉयज का है, ये पीछे में गर्ल्स का है। ओहो, ये गंदा है। आप ये देख लीजिए, विडंबना यही है, एजुकेशन मंत्री का घर तो ऐसे नहीं होगा, उनका बंगला होगा और उनका जो है अपना घर में यानी अपना होम टाउन में जो है उनका रेसिडेंट होगा, मंत्री लोग का रेसिडेंट, एमएलए लोग का रेसिडेंट में बाथरूम इस प्रकार पब्लिक टॉयलेट भी बनाया होगा ना, ऐसे नहीं होगा। ये सरकारी स्कूल होता है तो बच्चे मरे तो मरे, बच्चे कुछ भी तकलीफ हो सरकार को ना लेना देना है, ना एजुकेशन मिनिस्टर को लेना देना है। हालांकि हकीकत ये है कि हमारे बच्चे आज के 21st सेंचुरी में भी हमारे बच्चे जो है इस प्रकार के टॉयलेट को इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था तो कम से कम ठीक है, जैसे मैडम ने बताई है, लेकिन टॉयलेट की हालत को आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे कैसे मतलब इतना गंदा में जो है बच्चे कैसे, आप मतलब जो हम लोग बोलते हैं लघु शंका करेंगे, टॉयलेट जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत हालत ख़राब है। तो ये चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। हालांकि डीसी का ऑफिस तो यहाँ से वॉक डिस्टेंस है, मतलब कि मान के चलिए 300-400 मीटर पर डीसी का ऑफिस है, और ये डीसी के ठीक बगल में जो है ये स्कूल है, स्कूल में आकर के विजिट डीसी को करना चाहिए। और मैडम ने जिसे बताया ये लड़की बच्चियों के लिए ना, ये स्टाफ के लिए और ये पीछे का यहाँ में फिर गर्ल्स के लिए, और ये गर्ल्स के लिए यहाँ पे यहाँ से अलग से। ये ना, ये सैनिटरी नेपकिन जलाने का भी है, नेपकिन जलाने का है, लेकिन पानी कभी कभार सारी ये नहीं होके तकलीफ होता है बच्चा, तो हमने ज्यादा बच्चा है तो इसलिए डेली उन लोगों को ये थोड़ा सा कभी कभार गंदा तो हो ही जाता है, उपाय नहीं है। मैडम ये अभी स्मार्ट क्लास को लेकर के और ये बाथरूम का व्यवस्था को लेकर भी आपने हायर अथॉरिटी को चिट्ठी लिखा है, एप्लीकेशन सबमिट किया क्लासरूम की कमी को लेकर के? हाँ सर, एक्सटेंशन रूम के लिए तो हम लिखा भी है, जी, तो एप्लीकेशन दिया था, एक्सटेंशन रूम चाहिए ना, एनुअली हम लोग को कुछ जो क्या क्या जरूरी है स्कूल के लिए तो उसमें हम लोग दे देता है, मम्मी इतना इतना रूम हम लोग को और ज़रूरी है बोल के। तो अभी तक वहाँ से कुछ खबर नहीं आया, अभी तो एक्सटेंशन के लिए तो ऐसा नहीं। कितना दिन हो गया? हो गया अभी साल तो हो गया, साल हो गया, डायरेक्टर को लिखा होगा आपने? अब ये साल में सर हम लोग एक बार प्रपोजल एक हम लोग डालना पड़ता है, तो उसमें हम लोग ये किया था, हो सकता है इस बार ये साल हो जाए, हो भी जाए, चलो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एलिमेंट्री एजुकेशन में लिखा होगा? हाँ, ये हम लोग दीदी से। तो चलिए ये स्कूल का हालत थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जो बच्चों के लिए है। ये जी प्री प्राइमरी, तो प्री प्राइमरी ना, यहाँ में प्री प्राइमरी भी एक है, जी जी। तो ये बच्चा लोग रूम मैडम ये अलग है, थोड़ा सा चाबी लेके नहीं कोई नहीं। और इसमें सर एक्सटेंशन रूम के लिए इसी के लिए, ओ, ये क्योंकि हम लोग पार्टीशन करके इसमें जी दो दो हम लोग एक क्लासरूम में दो 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 क्लास चल रहा है जी। ये कौन सा क्लास में है? ये क्लास 1 होगा जी, ये 2 होगा। अभी आप लोग ही बताइए, एक ही रूम में दो क्लास यानी एक क्लास 1 दूसरा क्लास 2, तो दो मैडम जो है एक साथ क्लास लेगा तो यहाँ का आवाज इसको डिस्टर्ब करेगी और यहाँ का आवाज इसको डिस्टर्ब करेगी, जिसमें बच्चों का ध्यान भी मतलब जो है मतलब ऐसे में कैसे बच्चे पढ़ेंगे, मतलब एक ही क्लासरूम में दो पार्टीशन करके दो क्लासरूम चल रहा है। तो क्या ये जो अभी जो ऐसे व्यवस्था है ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हालत ये है, मतलब कि पापुमपारे जो भी यूपिया है यहाँ का हालत ये है कि बच्चे ऐसे व्यवस्था में अभी के समय में पढ़ाई कर रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
ये अगर क्लासरूम को भी देखेंगे तो ये तो टीचरों का तो गलती नहीं है, क्योंकि सरकार को अगर आपने स्कूल दिया है तो स्कूल को मेंटेनेंस करने के लिए खिड़की हो गया, आपका दरवाज़ा हो गया, बाथरूम टॉयलेट हो गया, ये सब को सरकार को देखना चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर है उनको देखना चाहिए। और हमने शुरू में कहा कि उनके बच्चे तो यहाँ पढ़ाई नहीं करते, जिस कारण से ऐसे गरीब बच्चे, ऐसे मिडिल क्लास के बच्चे जो अपने बच्चों को अच्छा से प्राइवेट स्कूलों में नहीं रख सकता है, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये बच्चे जो है क्या एजुकेशन लेने का हक इनको नहीं है क्या? तो अगर हक है तो इनको जो है सही इंफ्रास्ट्रक्चर देने का जिम्मा जो है सरकार को होना चाहिए, इनको जो है सही इंफ्रास्ट्रक्चर देने का जिम्मा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को होना चाहिए। और यहाँ पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का जो लोकल MLA को इनका जो है जिम्मेदार होना चाहिए। हेलो एंड वेलकम, आई एम मनीष के गौतम, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ALSIS। इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो अरुणाचल प्रदेश से हैं या ऊपरी आसाम से हैं उन सभी तक पहुंचना चाहता हूं और उनके साथ एक बहुत ही सुखद और खुश कर देने वाला सूचना साझा करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं ट्रैवल कर रहा हूं ALSIS ईटानगर सेंटर पर 7 जुलाई 2024 को टू कंडक्ट 1-day 4-hour ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एंड थ्रू दिस 1-day 4-hour ओरिएंटेशन प्रोग्राम एट ALSIS ईटानगर सेंटर विच विल बी स्टार्टिंग एट 8 AM एंड विल कॉन्टिन्यू टिल 10 AM, देन देर विल बी ए लंच ब्रेक ऑफ 1 hour एंड अगेन इट विल स्टार्ट एट 11 AM and will continue till 1 PM, you can get initiated into civil service exam preparation with positive frame of mind. और इस एक दिन 4 घंटे के orientation कार्यक्रम के माध्यम से हम और आप मिलकर संयुक्त रूप से एक साझा roadmap बनाएंगे और इस roadmap के माध्यम से आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। हम इस कार्यक्रम से GS के सिलेबस को डिकोड करेंगे, इस परीक्षा की जो अलग अलग मांग है उसको समझने जानने का प्रयास करेंगे और आप एक सिस्टमेटिक रिदमिक टाइम बाउंड प्रिपरेशन फॉर IAS एग्जाम कर पाएंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड अपर आसाम ऑन 7th July 2024 एट ALSIS ईटानगर सेंटर। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको इस वीडियो में नीचे दिए जा रहे नंबर पे कॉल करना है या थोड़ा समय निकालकर ALSIS ईटानगर सेंटर पहुंचना है और कंफर्म करना है अपने पार्टिसिपेशन को। थैंक यू, सी यू ऑल ऑन 7th July 2024 इन द मॉर्निंग 8 AM at ALSIS ईटानगर सेंटर।